तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज का जो टॉपिक है ये किताब से बिल्कुल अलग है, ठीक है। किसी भी सेफ्टी बुक में ये चीज़ होती है नाम के लिए, उसके नीचे एक दो लाइन की जो है इसमें डेफिनेशन होती है बस। मैं भी आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली इसको करना क्या होता है। काफ़ी रिक्वेस्ट थी मेरे पास ऑनलाइन भी बच्चों की कि टूल बॉक्स मीटिंग के बारे में कुछ बताएं, और ये सबसे बेसिक चीज़ है। क्योंकि हम जब भी सेफ्टी में सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइज़र के तौर पे जब कभी काम करते हैं, तो कोई भी काम शुरू करने से पहले, साइट पे किसी तरीके की एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले, हमें मजदूरों को, काम करने वालों को, कारीगरों को वहाँ पे जो है एक तरह की ट्रेनिंग देनी होती है। ट्रेनिंग लगाओ या आप जो है ट्रेनिंग को ये मान लो कि उनको काम शुरू होने से पहले ये बताना कि तुम्हें क्या दिक्कत आएगी, उससे बचना कैसे है, ठीक है। तो ये हम जैसे अभी हम क्लास में पढ़ाते हैं, अगर इस तरीके से मजदूरों के सामने जाके खड़े हो गए ना और टीचर की तरह उनको पढ़ाने लग गए, वो अनपढ़ लोग हैं, उनके दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा, वो एक भी बात ध्यान नहीं देंगे, काम वैसे ही करेंगे जैसे उनको करना था, हमारा समय बर्बाद और हमारा नाम भी खराब। क्योंकि जैसे वो पहले से काम करते आए हैं वैसे ही आज भी काम करेंगे, एक्सीडेंट तो डेफिनेटली होगा उनका, चोट तो उनको लगेगी लगेगी। तो एक जो है टूल बॉक्स टॉक के नाम से एक एक्टिविटी होती है, ये कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है स्पेशल, ये कोई फाइल नहीं है, ये कोई इंस्पेक्शन सिस्टम नहीं है, ये एक तरह की एक्टिविटी है, एक तरह की जो है ये समझ लो कि गतिविधि है, जो एक सेफ्टी पर्सनल को, वो चाहे सुपरवाइजर के बेस पे, सुपरवाइजर के लेवल पे खड़ा हो, पोस्ट पे खड़ा हो, या ऑफिसर की पोस्ट पे खड़ा हो, अगर साइट पे उसकी ड्यूटी लगती है, किसी फैक्ट्री में लगो या हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे लगो, अगर ड्यूटी लगती है कहीं भी, तो जिस जगह मेरी ड्यूटी होगी वहाँ पे काम करने वाले टोटल मजदूर भाई कारीगर जो भी होंगे सभी को काम शुरू तब करेंगे वो जब हमारे से जो है टूल बॉक्स टॉक कर लेंगे, वरना हम काम शुरू करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो जो जेएसए जॉब सेफ्टी एनालिसिस था वो एक तरह का डॉक्यूमेंट्स है, एक फाइल है जो बनाने में हमें टाइम लगता है थोड़ा सा, फिर उसको फॉलो करते हैं, तो वो इसके दौरान कर सकते हैं हम फॉलो उसको, कोई बात नहीं। उसके बाद एक वर्क परमिट सिस्टम हमारा होता था, वर्क परमिट सिस्टम भी ठीक है, जब तक वो सब नहीं होगा हम काम नहीं करने देंगे, लेकिन हर काम के लिए वर्क परमिट नहीं होता ना। तो जिस काम के लिए वर्क परमिट नहीं होता है उसको ऐसे ही थोड़े करने देंगे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत तो उसमें भी हो सकता है। तो उसके सभी एक्टिविटी के लिए ये टूल बॉक्स टॉक बनाया गया, इसको टूल बॉक्स मीटिंग भी कहते हैं। जैसा कि इसमें नाम टूल बॉक्स आ रहा है तो आप ये सोच रहे हो गया टूल बॉक्स का मतलब फिर यही है कि मेरे को जो टूल है, जो टूल में औजार रखे हैं वो कैसे चलाने हैं, सीधा सा मतलब तो वही बनता है, मतलब भी वही है, लेकिन थोड़ा सा उसको हम लॉजिक निकाल के उसको टेक्निकली सीखते हैं। टूल बॉक्स मतलब हो गया ऐसा बॉक्स, बक्सा होता है जिसमें हमारे टूल रखे जाते हैं। तो किसी भी तरीके का काम किसी कंपनी में, फैक्ट्री में या कंस्ट्रक्शन में टूलों के द्वारा ही होता है। और देखो कोई मिस्त्री होता है तो उसके पास वो ईंट तोड़ने की वो छेनी, हथौड़ा या कुछ और चीज़ें रखी होती हैं, उसको बंद करो। और बिजली वाला होगा तो प्लास होगा, पेचकस होगा, वायर काटने के लिए और चीज़ें होंगी, हैं, वो बिजली टेस्ट करने के लिए टेस्टर होगा, उसके पास दूसरे औजार होंगे। अब कोई सरिया का काम करने वाले मजदूर हैं तो उनका टूल बॉक्स अलग होगा, सरिया बैंड कैसे करना है, सरिया को बांधना कैसे है, सरिया को खींचना कैसे है, हैं, काटना कैसे है, उनका टूल बॉक्स चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो हर तरीके के काम में आदमी को टूल बॉक्स तो चाहिए ही होते हैं। तो इस एक्टिविटी का नाम टूल बॉक्स टॉक इसलिए रखा गया कि हर तरह के काम करने वाले आदमियों को उन्हीं के काम के अनुसार एक मीटिंग में बिठा के उनको समझाया जाए, समझेगी नहीं बात। तो वैसे तो इसका प्रोसेस किताबी भाषा में दूसरा रहेगा, इसको एक तरीके से हम थ्री क्वेश्चन मीटिंग भी बोल सकते हैं, थ्री क्यू मीटिंग, इसका एक लेटेस्ट नाम है। वो हम लोगों ने जब साइट पे हम ड्यूटी करते थे तो ये इजाद किया हुआ था, अभी तो काफ़ी जगह चल गया, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे पुराने जो हैं, इसको हम जो है
थ्री क्यू मीटिंग, ये भी बोल सकते हैं। यानी कि थ्री क्वेश्चन, एक ऐसी मीटिंग जिसमें तीन क्वेश्चन हो और तीनों में पूरा सेफ्टी का सिस्टम फॉलो हो जाए। पहला क्वेश्चन हम करेंगे, व्हाट इज द जॉब एट वर्क साइट। आज भाई तुम अपनी वर्क यानी कि जहां काम होता है, साइट यानी कि स्थल, जिस स्थल पर कार्य होने वाला है यानी कि कार्यस्थल पे आज तुम्हारा काम क्या है, हमने उनसे ही पूछना है। भाई हम सुबह गए, टूल बॉक्स मीटिंग का टाइम हुआ, तो हम लोगों ने क्या किया, टूल बॉक्स मीटिंग के लिए सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया। हम जाके वहाँ पे उनके सामने खड़े हो गए, हेलो कैसे हैं, ठीक हैं, बढ़िया, बातचीत करके उसके बाद अपने काम पे शुरू। अच्छा आज जो है आप लोग मुझे ये बताइए, स्पेशल स्पेसिफिक किसी काम के लिए, सब जगह इकट्ठा मीटिंग नहीं कर सकते हैं, एक काम के लिए एक दिन करके लेना पड़ेगा। आज कोई वेल्डिंग वालों को ही पकड़ लिया है, आज कोई जो ऊपर जाके काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे काम करते हैं, रिस्क है, तो उनको अलग से पकड़ लिया, खुदाई के काम वालों को अलग से पकड़ लिया है। तो हम लोग एक एक काम को, अलग अलग एक्टिविटी वाले को पकड़ेंगे, उनको बिठा के बोलेंगे, भाई साहब आप सब मुझे जो है ये बताओ कि आज आपका काम क्या है, व्हाट इज़ द जॉब, पहला क्वेश्चन हुआ। वो बताएंगे जी फलाना फलाना काम है, ऐसे ऐसे हमको आज काम करना है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आप बिल्कुल लोकल हिसाब से बताता हूँ। हमें ना, हम बहुत पुराने हो गए हैं, तो चलो हो सकता है जिसने 7-8 साल 6 साल नौकरी कर ली उसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन बेटा आप लोग तो नए हैं, तभी तो मेरे सामने बैठे हैं, है नए हैं, नहीं जानते इसलिए ये वीडियो देख रहे होंगे जो भी हैं। तो हमें क्या करना है कि हम नए हैं तो हमें उन मजदूरों से ही सीखना है, और कौन सिखाएगा भाई, वहाँ पे काम कैसे होता है वो तो वही बताएंगे ना जो करते हैं, हमने तो किया ही नहीं कभी ना, मैं यहाँ करके दिखा सकता आपको, हमें वहाँ सीखना बड़ी चालाकी से चतुराई से, ठीक है, उनसे पूछना है, भाई साहब काम क्या है आज का, मतलब क्या काम करेंगे आप लोग। सर आज हमें जो है यहाँ पे बिजली का खंभा खड़ा करना है, 15 आदमी बैठे हैं वहाँ पे। अच्छा अब बिजली का खंभा बनाएंगे, कितने फुट तक बनाएंगे। सर हमें जो है ना ये 25 फुट ऊंचा बनाना है। ठीक है, वेरी गुड, काम का पता चल गया, अब ना उनसे ही पूछेंगे हम। अच्छा यार ये और बताओ, आप में से कुछ काफ़ी पुराने लोग हैं, ये जो है खंभा, आप में से ऐसा कौन है जिसने 8-7 साल काम किया हुआ ये खंभा ऐसे जो खड़े करते हैं, पोल जो एक दो बोलेगा उनमें से, सर हम हैं 10 साल हो गया। ठीक है, तो भाई साहब ये बताओ कि इसमें खतरा क्या हो सकता है, यार तुमने तो काफ़ी साल काम किया है, मेरे से भी सीनियर हो, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, तरीका चाहिए ना हम लोगों को कि खुशी से उसको लगे अरे मेरे को इतनी इज्जत दे रहे हैं सर, खुल के एकदम सारी बात कर सके, तो बताओ यार थोड़ा सा। बाकी सब देखो नए लड़के हैं, मैं भी नया हूँ, तो थोड़ा अपने को पता चले, क्योंकि मैं तो आप ही की मदद के लिए ये सब मीटिंग कर रहा हूँ, तो वो बताएंगे, हमने उनसे ही पूछना है खतरे क्या क्या हैं यार। तो बोलेगा सर वो ठीका है, जब हम चढ़ने लगते हैं तो कई बार क्या है पैर स्लिप हो जाता है, सीढ़ी नहीं मिलता है तो चढ़ने में दिक्कत आती है, कई बार रस्सा बांधते हैं सर वो खुल जाता है, क्रेन से उठाते हैं तो कई बार हवा चलती है तो वो ऐसे सामान हिलता है ना तो खंभे को जाके टकराता है बार बार, उससे चोट लगने का, एक एक करके वो उनको जितना समझ आएगा ना, जितना उनका दिमाग है, जितने वो लोग जानते हैं एक के बाद दूसरे से, भाषा आप भी तो काफ़ी पुराने लग रहे हो, हाँ जी 6 साल हुआ है, अब भी बताओ ना एक आधी बात, उनके मुँह से निकलवाओ। तो जो उनके साथी बैठे हैं, अब उन्हीं का कोई पुराना साथी बोलेगा कि ये खतरा तो होता है, तो बाकी उन्हीं के साथी को तो भरोसा होगा ना, सेफ्टी अफसर बोल रहा है तो बोलेगा अरे का तो रोज का काम है, नए नए खतरे बताता है, लेकिन उसका अपना साथी थोड़े झूठ बोल रहा होगा, उसने तो वो खतरे वो सब हैजार्ड्स जो हैं वो सब फेस किए हैं ना पहले अपनी लाइफ में, इसीलिए वो सच बता रहा है, तो उसके साथियों को पक्का यकीन हो जाएगा यार सही बोल रहा है ये, खतरे पता चले। फिर जो हम जानते हैं एक आध चीज़, क्योंकि हम लोग सेफ्टी ऑफिसर हैं, हमारा काम ही है सिर्फ खतरे निकालना, तो 2-4 हमने भी सोच के रखे होंगे, है कि नहीं है, जो वो नहीं सोच सकता टेक्निकली वो हम उनको बता देंगे, खतरे हुए सारे सबके सामने बोला गया वहाँ पे, दिमाग में घुस गई उनकी, यार ये बात तो साफ सही बोल रहे हैं, ऐसा हो गया तो अपने सारे गिर जाएंगे ऊपर से यार, चोट लग जाएगी, है ना। फिर उनसे बोले हम, चलो यार खतरे तो सभी ने बड़ा अच्छा किया आप लोगों ने बताए, अब थोड़ी सी मदद और कर दो मेरी यार, ये और बताओ कि इन खतरों से अपन निपटें कैसे,
तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ, व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस या सेफ्टी मेजर्स, यार सुरक्षा का ऐसा क्या उपाय लगाए हम कि जो आप लोगों ने खतरे बताए इनसे हम बच सकें, एक्सीडेंट ना हो, क्या करें? तो बोलेंगे साहब ऊपर चढ़ने के लिए तो जो है सीढ़ी मिल जाए तो ठीक है, हम लोग सीढ़ी से चढ़ेंगे, दिक्कत नहीं आएगा, और जब क्रेन से सामान उठाएं तो वहाँ पे एक दो आदमी एक्स्ट्रा हो जो सामान को रस्सियाँ बांध के ऐसे खींच कर रखे दोनों साइड से, तो हवा भी आए या किधर भी वो ऐसे हिल के सीधा ना टकराए हैं, और सब ऊपर अगर खड़े होने के लिए थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बना लें तो डरने का खतरा कम होता है। वो लोग ये करके करके बता रहे हैं, हम लोग ध्यान दे रहे हैं उस पर, लेकिन वो जो सोल्यूशन बता रहे हैं ना वो सबके सामने बता रहे हैं, वो सिर्फ मुझे नहीं बता रहे हैं, मेरी तरफ तो खाली मुँह है, सुन तो सारे रहे ना वहाँ पे उसके साथी जो बैठे हुए मजदूर, तो सबको आएगी नहीं अकल, भाई तो जूते पहन के जाना है, जूतों में कीचड़ नहीं लगा होना चाहिए, वरना चढ़ते टाइम पैर स्लिप करेगा नीचे गिरेंगे, सेफ्टी बेल्ट पहन के लगाना भी है, खाली पहनना नहीं है लगाना भी है, वरना अभी इसने हमारे ठेकेदार ने हमारे इसने भाई साहब ने फोरमैन ने बोला था कि ऊपर से कई बार जो है सर ऐसे धक्का लग जाता है या पैर स्लिप कर जाता है, हाथ छूट जाता है, हम गिर जाते हैं, सेफ्टी बेल्ट लगा होगा तो नीचे तो नहीं गिरेंगे ना, लटक जाएंगे उधर ही पकड़ के फिर से चढ़ जाएंगे, जान तो बचेगी। तो सेफ्टी मेजर्स कुछ तो वही लोग बताएंगे, उसके बाद फिर हम बैठे हैं ना बताने के लिए, बाकी जो बचेगा वो हम बता देंगे उनको, समझ में आई मेरी बात? हो गया ना अपना पूरा काम, हमने उन्हीं से पूछ लिया काम क्या है, उन्होंने तुरंत बताया काम, ठीक है छोटी सी बात, उन्होंने काम बताया हमने सुन लिया खत्म। अच्छा काम में क्या क्या करेंगे सर, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है ये तो हो गया पूरा, उसके बाद उनसे ही सवाल कर दो, भाई हमें खतरे बता दो, एक दो बढ़िया होगा उसमें पुराना, उम्र से दिखेगा अपने को ज़्यादा काम कर रहा है, या खुद ही बोल देगा सर हम हैं कई साल से, ठीक है बताओ यार थोड़ा सा, मुझे भी नया हूँ ज़्यादा मालूम नहीं है, चाहे मालूम भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, क्या पता कोई नई चीज़ बता दे, उन्हीं से पूछ के फिर हमें जो पता है वो ऐड कर दो उसमें, उसके बाद तीसरे पे आ जाओ। अच्छा यार तो भी जब खतरे पता चली गए, हमें पता है चोट लग सकती है, तो बिना सोल्यूशन हम जाएं तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं यार हम, तो एक बार थोड़ा सा ये और काम कर दो यार, आपके हिसाब से क्या क्या प्रिकॉशन होने चाहिए, प्रिकॉशन नहीं समझेंगे मतलब आपके हिसाब से क्या क्या ऐसे जुगाड़ उपाय लगाएं कि हम लोग चोट ना खा पाएं, अपने जितने साथी बैठे हैं जैसे भी खेलते हंसते जा रहे हैं ना ऊपर काम करने के लिए, वैसे शाम को हंसते हंसते वापस आएँ, इसके लिए क्या जुगाड़ लगाएं, वो बताएंगे ऐसे करें वैसे करें, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ठीक है फिर जो चीज़ बचेगी वो हम ऐड कर देंगे, भाई ऐसा और कर लेना फिर, ठीक है तो ये सारी चीज़ें करो अब आप काम पे जा सकते हैं, समझे मेरी बात? ये सिंपल सीधे शब्दों में मैंने आपको बता दिया, प्रोसेस लंबा वो है, ऐसे करना है, उनको ये चीज़ बोलना है वो बोलना, ये वो कुछ नहीं, सीधा बोल दिया, उन्हीं से पूछना है और उन्हीं को समझाना है, हम भी सीखेंगे वो भी सीखेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो टूल बॉक्स टॉक का मतलब ये है कि काम के दौरान हर किसी को अपने टूल की ज़रूरत पड़ती है, और हर काम के लिए अलग प्रकार का टूल होता है, इसका नाम इसीलिए रखा गया, हर काम के लिए उसी के काम के अनुसार हम उसे मीटिंग करें और उसको समझाएं और बताएं अलग अलग। हमारा आधा काम तो सुबह सुबह टूल बॉक्स मीटिंग अगर बढ़िया हो गई ना अपनी, वहीं हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, दिमाग में तो सारी बातें सुबह सुबह घुस गई है उनके, एक आध बीच में भूल भी जाएंगे गलती करेंगे भी तो फिर हम किस चीज़ के हथियार हैं भाई, पूरा दिन जो साइड पे घूमेंगे तो उसको पकड़ लेंगे ना, अरे गलती कर रहा है भाई सीधा हो, तो वहाँ जाके फिर हमारी 100% सेफ्टी हो जाएगी, सब लोग सुरक्षित रहेंगे, हमारी नौकरी बढ़िया चलती रहेगी, किसी को एक्सीडेंट चोट लग जाएगा हमें गालियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी, तो हमें अपने लिए भी और वो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, उनके भले के लिए भी काम करना है, और जो कंपनी हमें पैसा दे रही है, जिसने हमें इतनी इज्जत बख्शी है कि सुबह 200 मजदूर आते हैं और मुझे नमस्ते साहब बोलते हैं 20-24 साल की उम्र में, उसका कंपनी को भी आउटपुट हमें देना पड़ेगा एकदम ईमानदारी के साथ। तो सबके काम तभी होंगे जब ऐसी चीज़ें हम फॉलो करेंगे साइट पर, हमारा नाम भी होगा, हमारा काम भी होगा और दाम भी होगा, क्योंकि काम अच्छा करेंगे कंपनी पैसे बढ़ाएगी, नाम काम दाम तीनों चीज़ मिल जाएंगी, लेकिन चलना पड़ेगा हमें टेक्निक के हिसाब से, ठीक है। ये छोटा सा चैप्टर बड़ा नहीं होता है इसीलिए मैंने दिया है, ये बुक से थोड़ा हटके होता है। ओके आपका टूल बॉक्स मीटिंग का कंप्लीट डन, और आज की क्लास भी इतनी ही थी।